कहीं आपके शरीर में भी तो नहीं दिख रहे ये लक्षण? हो सकता है किडनी खराब होने का संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। है किडनी खराब होना या जिसे मेडिकल भाषा में एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, तब होता है जब गुर्दे में रक्त अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना अचानक बंद कर देते हैं। जब गुर्दों की रक्त छानने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और इससे रक्त की रासायनिक संरचना असंतुलित हो जाती है। किडनी शरीर का अहम हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर बाहर निकालना है और शरीर में केमिकल फ्री और हेल्दी ब्लड की सप्लाई को बैलेंस करना है। जब इस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो कई बार इसे फेल होने का खतरा बन जाता है। इसके पीछे की वजह है उल्टा सीधा खान पान और गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली भी हो सकती है, जिसमें किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने अध्ययन से प्राप्त की हुई जानकारियां दी हैं। किडनी मानव शरीर का एक अहम हिस्सा है। यदि किडनी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप लेने के साथ साथ मौत का भी कारण बन सकती है। यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करने के साथ साथ शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल और क्षार का संतुलन, खून में दबाव का नियंत्रण और हड्डियों को मजबूत बनाने जैसा कार्य करती है। इसलिए आज हम आपको किडनी खराब होने के कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप इसकी भयंकर परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, खुजली। जी हाँ, स्किन पर रैशेज, खुजली और लाल पड़ना भी किडनी खराब होने के संकेत हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये लक्षण और भी कई बीमारियों को देखने में मिल सकते हैं, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से खून में गंदगी रहती है और इसका असर त्वचा पर दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में किडनी पर रैशेज और खुजली होने लगती है। नंबर दो, वजन बढ़ना। जी हाँ, अगर आपके शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगे, शरीर में सूजन आने लगे तो सावधान हो जाइए, यह किडनी खराब होने का संकेत हो सकते हैं। नंबर तीन, पेशाब। जी हाँ, किडनी की खराबी में सबसे पहले पेशाब संबंधी बदलाव आते हैं, जैसे पेशाब में कमी आना, पेशाब का रंग बदलना, पेशाब का सामान्य से ज्यादा होना, पेशाब में जलन, पेशाब में खून या पस, और गंभीर स्थिति में पेशाब आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। नंबर चार, थकान। जी हाँ, अगर आप अधिक थके हुए, कम ऊर्जावान या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही हो तो सतर्क रहें। गुर्दे के कार्य में गंभीर कमी से रक्त में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों का निर्माण हो सकता है। यह लोगों को थका हुआ, कमजोर महसूस कराने का कारण बन सकता है और इसे ध्यान केंद्रित करना कठिन बन सकता है। नंबर पाँच, पीठ, बाजू या पसलियों के नीचे दर्द, गुर्दे में गड़बड़ी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे की पथरी या पाइलोनफाइटिस। इसी तरह पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द मूत्राशय के संक्रमण या एक मूत्रवाहिनी में पत्थर होने का कारण हो सकता है। इस तरह के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें।